नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नए नए जो मार्केट में फ्रॉड्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जिससे आप सतर्क रह सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने भी अपने पैसों को गवा दिया है फ्रॉड के चलते, अगर आपने अपने पैसों को ऑनलाइन फ्रॉड के चलते गवा दिया है तो आप अपने पैसों को कैसे वापस पा सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन जाकर किसी ट्रांजेक्शन को किया था और गलती से वो ट्रांजेक्शन किसी फ्रॉड इंसान के हाथों में चली जाती है, या फिर कोई फ्रॉड व्यक्ति आपको आपके साथ में फ्रॉड करके और आपसे कोई गलत ट्रांजेक्शन करवा लेता है, तो आप उन पैसों को कैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कोई की है जिसके आपको बाद में फील होता है कि वो जो ट्रांजेक्शन आपने की है वो एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुई है और आपका जो पैसा है वो लुट चुका है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कस्टम फ्रॉड में फंसने के बाद में 35,500 रुपये एक लड़की ने दे दिए थे, तो उन 35,500 को उसने किस तरीके से 6 दिन के अंदर रिकवर कर लिया, और वो भी सबूत के साथ में। अगर आपके साथ भी अगर ऐसे ही कुछ घटना घटित हुई है तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और समय रहते आप अपने पैसों को भी रिकवर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोलकाता की रहने वाली नेहा, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करती थी, उसने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, और उसने सोचा कि क्यों ना matrimony.com पे भी अपनी एक प्रोफाइल को क्रिएट कर लिया जाए। जैसे उसने matrimony.com पे अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट की, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे एक अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव हुई फेसबुक पे, और जैसे ही अननोन फेसबुक फ्रेंड उसको रिसीव हुई तो उसने गलती किया कि उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में, जैसे कि आप जानते हैं, कस्टम फ्रॉड के नाम पे लाखों लोगों को लूट लिया जाता है, और उसी के साथ भी बिल्कुल सेम वही हुआ कि आगे चलती गई बातें, आगे चलने के बाद में सेम वही कस्टम फ्रॉड की कहानी उसके साथ भी दोहराई गई। और अगर आप नए हैं और आप कस्टम फ्रॉड कैसे किया जाता है ये आप नहीं जानते हैं, तो आप हमारी इस आई बटन में जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कस्टम फ्रॉड आखिरकार कैसे किया जाता है और भोले वाले लोगों को कैसे ठग लिया जाता है, जिसमें कस्टम फ्रॉड के द्वारा एक फीमेल को ठग लिया गया जिससे 70 लाख रुपए की भी ठगी की जा चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको कस्टम फ्रॉड के बारे में नहीं पता है और आप कस्टम फ्रॉड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आई बटन में मैंने लिंक दिए हैं, आप वहाँ पर क्लिक करके कस्टम फ्रॉड के बारे में जान सकते हैं। उस टॉपिक पर 5 से 6 वीडियो भी बनी हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाके क्या होता है कि सेम उस फीमेल के साथ भी कस्टम फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है, और कस्टम क्लियरेंस के नाम से उससे 35,500 मांगे जाते हैं। उसे भी यही कहा जाता है कि आपको एक कीमती पार्सल भेजा जा रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट है आपको बियर करनी पड़ेगी, जो कि 35,500 होगी। वहाँ पर नेहा, जो कि कोलकाता की रहने वाली थी, उसने कहा कि मैं बैंकिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं UPI का इस्तेमाल करती हूँ। तो उसने गूगल पे के द्वारा जो ट्रांजेक्शन थी 35,500, उसे 2 बार में उसने पे कर दिया। सो दोस्तों, जैसे ही उसने 35,500 रुपये की पेमेंट की, तो कुछ समय के बाद ही उसने हमारे चैनल पे एक वीडियो देखा जो कि कस्टम फ्रॉड से रिलेटेड था। तो हमारे चैनल पे वीडियो देखने के बाद में नेहा की आंखें खुल गई, उसको रियलाइज़ हो गया कि उसके साथ में फ्रॉड हुआ है, क्योंकि नेहा ने एक दिन पहले ही उसकी पेमेंट की थी। तो नेहा ने समय रहते हमसे कॉन्टेक्ट किया और सारी घटना के बारे में हमें बताया। जैसे ही उसने पूरी घटना के बारे में हमें बताया, तो उसके बाद में कैसे उसने 35,500 रुपये को रिकवर किया विद इन 6 डेज, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि नेहा के साथ जो हुआ, अगर सेम वैसी ही कोई एक्टिविटी आपके साथ हुई है, या फिर किसी अन्य तरीके से आपके द्वारा कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन कर दी गई है, अपने पैसों को किसी अदर के अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, और उस व्यक्ति ने फ्रॉड के द्वारा आपसे ये ट्रांसफ़र करवाया है, जो कि आपने UPI से किया है, मसलन आपने गूगल पे से किया है, आपने पेटीएम से किया है, या फिर आपने अदर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सहायता से आपने उसके अकाउंट में अगर पैसे की पेमेंट कर दी है, तो आपके पास में 72 आवर्स की एक विंडो है, जिसमें अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपका 100% रुपीज़ जो है आपने जो पे किए वो रिटर्न हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट की है और आपको लगता है कि वो एक फ्रॉड पेमेंट की गई है, आपके द्वारा कोई फ्रॉड पेमेंट की गई है, किसी व्यक्ति के अनजान व्यक्ति के अकाउंट में आपने अगर पैसे ट्रांसफ़र किए हैं जो कि UPI के थ्रू हुए हैं, मतलब कि थर्ड पार्टी के थ्रू आपने ट्रांसफ़र किए हैं, तो आपके पास में 72 घंटे का समय होता है, आप उस अपने पैसों को रिकवर कर सकते हैं।
सो दोस्तों वो कैसे रिकवर करनी है वो मैं आपको सबूत के साथ में दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि 19 तारीख को नेहा ने ये ट्रांजेक्शन की थी, दो ट्रांजेक्शन जिसमें उसने 35,500 रुपये जो फ्रॉड पर्सन था उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। जैसे ही उसने ट्रांसफ़र किए बिल्कुल नेक्स्ट डे हमारा वीडियो देखने के बाद में उसने सबसे पहले क्या काम किया, उसने कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के चलते कस्टमर केयर से वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पाई, तो उसने एक ईमेल डाल दिया, कस्टमर केयर पे एक ईमेल डाला जिस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की सहायता से उसने पेमेंट की थी, उनके कस्टमर केयर जो आईडी थी वहाँ पर एक ईमेल डाल दिया। साथ के साथ में उन्होंने जो लोकल थाना था वहाँ का, वहाँ पर भी एक फुल्ली एप्लीकेशन उन्होंने दी कि कैसे कैसे किस किस अकाउंट में उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और उनके साथ में क्या क्या हुआ है और उन्होंने कैसे उन्हें फ्रॉड के जाल में फंसाया गया और कैसे उन्होंने कितनी पेमेंट किस अकाउंट में कितने बजे कौन से अपने UPI आईडी से उसने ट्रांसफ़र किए, ये सारी डिटेल के साथ में एक एप्लीकेशन उन्होंने लिखी और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया और उसकी रिसीविंग ले ली। जैसे उन्होंने रिसीविंग लिया तो उन्होंने अपने एरिए के साइबर सेल से कॉन्टैक्ट किया और साइबर सेल से कॉन्टैक्ट करने के बाद में साइबर सेल की ईमेल आईडी पर पूरी की पूरी जो पुलिस की उनकी रिपोर्ट थी वो सारी की सारी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ पर अटैच करके मेल डाल दिया और पूरी स्टोरी वहाँ पर उन्होंने लिख के दे दी और इसके साथ के साथ में जो बैंकिंग स्टेटमेंट थी जिस अकाउंट से उसके पैसे डिडक्ट हुए थे उसकी भी एक स्टेटमेंट उन्होंने साथ में लगा दी, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि फीमेल के साथ में फ्रॉड हुआ था या फिर इस समय पर इतने पैसे इस अकाउंट में इनके द्वारा जमा कराए गए थे। तो दोस्तों ये एक मेल डालने के बाद में फिर जो नेहा थी उसने तीसरा काम किया कि जो बैंक था जिस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था उस बैंक से भी जाके उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कोशिश करी कि जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है पैसा उसे सीज करा दिया जाए। तो इसके लिए उन्हें बैंक मैनेजर से मिलना पड़ा, वो बैंक मैनेजर से मिलते हैं और मिलने के बाद में उन्होंने पुलिस में दी हुई कंप्लेंट की कॉपी साथ में देती है और प्लस में अपने अकाउंट की जो स्टेटमेंट थी वो भी वो जाके बैंक मैनेजर को सबमिट कर देती है ताकि जिस अकाउंट के अंदर उन्होंने पेमेंट की थी उस अकाउंट को सीज किया जाए। तो यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको किन किन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, किस किस के संपर्क में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस एप्लीकेशन के आप संपर्क में जाइए जिस एप्लीकेशन की सहायता से आपने वो पेमेंट की है। सेकंड, आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ की कंप्लेंट डाल देनी चाहिए कि आपके द्वारा इन इन अकाउंट्स के अंदर एक पेमेंट की गई है जो कि फ्रॉड पेमेंट थी, जो बंदा था जिसके अकाउंट में पेमेंट की गई थी वो एक फ्रॉड पर्सन था, उसने 420 करके आपसे वो पैसे डलवाए हैं। तीसरा, आपको साइबर सेल के संपर्क में जाना चाहिए क्योंकि इन मामलों की छानबीन साइबर सेल के द्वारा ही की जाती है। और चौथा, आपको उस बैंक के टच में जरूर जाना चाहिए जिस बैंक के अंदर वो पेमेंट की गई थी और साथ के साथ में आपके जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो भी आपको हमेशा अपने पास में रखनी चाहिए। साइबर सेल की तरफ से नेहा को एक ईमेल रिसीव हुआ जिसके अंदर साइबर सेल ने उनसे उनका आधार कार्ड की डिटेल सेंड करने के लिए कहा, तो नेहा ने अपने आधार कार्ड की जो डिटेल थी वो उसी ईमेल आईडी पर उन्होंने रिवर्ट कर दिया और अपने आधार कार्ड का जो कॉपीज थी वो अटैच करके उन्हें रिप्लाई कर दिया। उसके नेक्स्ट डे उन्हें एक और ईमेल रिसीव होती है जिसके अंदर उनकी बैंक की जो डिटेल्स थी, स्टेटमेंट थी, उसको शेयर करने के लिए कहा गया। तो नेहा ने नेक्स्ट डे अपने बैंक की वो डिटेल्स भी सारी की सारी शेयर कर दी जिसमें यह क्लियरली मेंशन होता है कि नेहा ने दो ट्रांजेक्शन के थ्रू 35,500 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे और वेरी नेक्स्ट डे मतलब कि छठे दिन नेहा के अकाउंट में रात को 8:30 बजे के हेर फेर में जो 35,500 रुपये जो उनके अकाउंट से डिडक्ट हुए थे फ्रॉड के थ्रू वो सारे के सारे पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको दिखाई है कि किस हिसाब से कैसे कैसे नेहा ने पुलिस कंप्लेंट करी, कैसे नेहा बैंक मैनेजर से जाके मिलती है, कैसे नेहा साइबर सेल ऑफिसर से बात करती है, कैसे नेहा साइबर सेल ऑफिशियल्स की ईमेल आईडी पर सारी रिस्पॉन्स करती है और कैसे विद इन 6 डेज उसे उनके 35,500 रुपये वापस मिल जाते हैं उनके सेम उसी अकाउंट में जहाँ से उनके पैसे डिडक्ट हुए थे। सो दोस्तों आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई है, कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है और वो थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं इनके थ्रू अगर वो चीज़ घटित हुई है तो आपको भी इन्हीं तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि आपके जो कीमती पैसे हैं वो आपके अकाउंट में फिर से आ जाएं। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके कुछ काम ज़रूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।